इसके बाद मिस्टर विश्वास दोस्तों बहुत सारी बातें आ गई हैं सामाजिक और सांप्रदायिक, लेकिन इसका एक राजनीतिक एंगल भी है जो मैं चाहता हूं आप लोगों के साथ शेयर करूं। बार बार ये बात कही जा रही है कि जब मणिपुर जल रहा था तो हमारे गृह मंत्री कर्नाटक में थे और कर्नाटक में उन्होंने ये दावा किया था कि अगर कांग्रेस, उनको ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी, तो उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो यहाँ पर जो है सांप्रदायिक दंगे होंगे। सोचने वाली बात यह है कि यानी बीजेपी अगर उसमें रहेगी सत्ता में तो सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे, और उसके फौरन बाद जो है वो मणिपुर में डबल इंजन सरकार ने दंगे देखे। एक बात और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि बीजेपी के लिए दंगा जो है वो कोई बुरी बात नहीं है, वो असल में वोट जमा करने की एक मशीन है। इसीलिए गुजरात में उन्होंने कहा था कि हमने जो है वो 20 साल पहले एक सबक सिखाया और उसके बाद फिर उन्होंने जितने लोग दंगे में जिनके ऊपर जुर्म साबित हो गया था उनको 15 अगस्त को छोड़ा, और अभी भी जो नए फैसले आ रहे हैं गुजरात हाई कोर्ट के उसमें उन तमाम लोगों को जिनको के पूरी उम्र कैद की सज़ा हुई थी उनको छोड़ा जा रहा है। तो ये लोग लोगों से दंगे करवाते हैं और फिर उनको जो है वो सरकार के संरक्षण में छोड़ते हैं। इसी वजह से नए नए जगहों पर दंगे होते हैं, इसलिए कि दंगा करने वालों को मालूम है कि ये सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, ये सरकार हमको सजा नहीं देगी, अगर लोगों को दिखाने के लिए जेल में भेजा भी गया तो कुछ दिनों के बाद हमको जो है वो तमाम सबूतों को छुड़ा के जो है वो छोड़ दिया जाएगा। तो जब तक कि ऐसे लोग सत्ता में रहेंगे उस वक्त तक दंगे नहीं रुकेंगे, उस वक्त तक इनोसेंट लोगों का खून बहना नहीं रुकेगा, उस वक्त तक लोगों को जो है वो इस तरह के कैंप्स में नहीं जाना पड़ेगा जिसके बारे में ये कहा गया कि वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप जैसी सिचुएशन है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम जो है हमारा खून ना बहे, हमारे घर नहीं जले, हमारी इबादतगाहें जो है वो महफूज रहें, तो हमको जो है इन लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। और अगर हमने नहीं सोचा तो कल उनकी और आज उनकी और कल हमारी बारी आएगी। मैं इन्हीं दो शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ।